चलिए आज बनाती हूँ मसाला ब्रेड। और सबसे पहले चाहिए मसाला ब्रेड के लिए, उसका नाम ही है ऐसा मसाला ब्रेड, तो ब्रेड चाहिए, तो इसके लिए मैंने ब्रेड ले ली है। और इसके लिए फिर हमें चाहिए एक पीस प्याज है और 10-12 कलियां लहसुन की हैं और ये है दालचीनी, तो ये चाहिए। और नमक बहुत ज़रूरी है, अपने स्वाद के हिसाब से ले लेंगे इसको। हल्दी थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी हल्दी ले ली है। और इसमें चने की दाल ले ली है, ये मैंने भिगो कर ली है, इसे मैंने भिगो लिया है। और तेल चाहिए, तेल ले लिया है। और ये 5-6 सूखी लाल मिर्च है, ये ले ली है। और ये है नारियल कोकोनट, तब भूरा है। तो चलिए ये हम पीस लेंगे, प्याज को पीसेंगे, प्याज लहसुन और दालचीनी पीस लेंगे। मिर्च मतलब ये सारा जो सामान है इसको हम पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, तो इसको हम पीस के लाते हैं। तो देखिए ये जार में मैंने दाल डाल दी है और इसी में डाल देंगे हम ये लाल मिर्च। चटनी के जैसा एक पेस्ट तैयार करना है और इसमें लहसुन भी डाल देंगे, लहसुन और कोकोनट ये सब इसमें। और नमक जो डालेंगे स्वाद के हिसाब से डालेंगे, नमक डाल लिया है। हल्दी, हल्दी थोड़ी डालेंगे आ जाए जिससे एक बढ़िया सा, और इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए ये मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है सब मसालों का, देखिए। और नमक भी इसमें डाल लिया है, नमक को हम चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। वैसे अंदाज से हमने डाल लिया है, मेरा नमक तो ठीक है, लेकिन अगर अंदाज अच्छी नहीं है नमक की तो आप लोग इसको चख के चेक कर सकते हैं नमक का स्वाद। तो अब हम इसे प्याले में कर लेंगे, इस मसाले को पेस्ट को डाल लेंगे। सर देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस पे रखेंगे अब तवा। तो चलिए मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। गैस मैंने ऑन कर ली है और इस पे रख दिया है तवा। और मैंने ये लिया है रिफाइंड ऑयल, आप लोग जो भी तेल यूज करते हैं वो ले सकते हैं अपने किचन में। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और ये है मेरा पेस्ट। गैस को मीडियम पे कर देंगे। ब्रेड ले लेंगे, मैंने 2 ब्रेड ले ली है और ये इसे पाटे पे रख ली है। इस पे हम स्पून से ये मसाला एक तरफ लगा देंगे, फैलाते हुए लगाएंगे ऐसे। ये मसाला मैंने लगा दिया है इस पे ब्रेड पे। इस पे तवे पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको तवा जो है चिकना कर देंगे। तवा गरम हो गया है, तो ये ब्रेड जो है ये मसाले की तरफ से ऐसे ऐसे करके तवे पे रख देंगे और इसको मीडियम गैस पे पकने देंगे। और देखिए थोड़ा सा तेल इसमें हम ऐसे साइड साइड से डाल देंगे, इधर भी पेस्ट लगा देंगे ब्रेड पे, ऐसे पूरी ब्रेड पे इस पेस्ट को लगा देंगे। गैस को स्लो कर देंगे
मीडियम लो पे कर दी है और इसको पलट लेंगे। नीचे की तरफ ब्रेड हो गई है तो इसको ऐसे धारदार तरीके से पलट लेंगे। इसके रख लेंगे, ये मसाला जो चिपक गया है इसको हम छुटा देंगे। यहाँ पे तेल एक बार फिर डाल देंगे थोड़ा सा, जिससे ये तवा चिकना हो जाए, और इस ब्रेड को इस पे फिर से डाल देंगे ऐसे। इसको भी पकने देंगे और थोड़ा सा तेल फिर डाल देंगे इधर। धीमी गैस पे इसको पकने देंगे। तो इस ब्रेड को उलट पलट के हम सेक लेंगे गोल्डन सुनहला होते होने तक। इसको सेकेंगे, गैस को थोड़ा मीडियम पे कर दी है मैंने। देखिए इसको ऐसे पलट देंगे फिर। दो ब्रेड तैयार कर ली है और इनको सर्व भी कर दिया है, ये खाने के लिए तैयार है। इसे कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय किसी के साथ भी ले सकते हैं और खाली भी खा सकते हैं। अदर में कोई चटनी भी ले सकते हैं, उससे भी खा सकते हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए और बनाकर देखिए कैसा लगता है। इसका स्वाद ज़रूर देखें और बताएं कमेंट करके कैसा लगा ये खाने में। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।